देखिए 370 वापस आएगा नहीं आएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव जम्मू कश्मीर में चुनाव है उसको देखते हुए इतनी डरी हुई है। ये आतंकवाद की सफाया करने वाली पार्टी आतंकवाद फल फूल रही है जम्मू कश्मीर में, और प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण होती है उसी दिन वहाँ बम ब्लास्ट होता है। आतंकवाद रुक नहीं रहा है, लगातार घटनाएं हो रही हैं। जम्मू कश्मीर पहले से ज़्यादा असुरक्षित हो चुकी है, इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी को अभी के विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। पंजाब में आतंकवाद को ख़त्म करने वाली कांग्रेस पार्टी है, जम्मू कश्मीर में कौन सा आतंकवाद का सफाया कर दिया भारतीय जनता पार्टी, बल्कि आतंकवाद को फलने फूलने पे भारतीय जनता पार्टी का हमेशा सहयोग रहा है। इसलिए काम करना छोड़ दूसरे का आरोप लगाना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। किसी चुनी हुई सरकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार की विधेयक को रोकना भारतीय जनता पार्टी की ये मानसिकता है, और राज्यपाल का दखल मैं समझता हूँ उचित नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा है, और इस समय में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, और भारतीय जनता पार्टी को इस समय हरियाणा की जनता ने बुरी तरह से सत्ता से बाहर बेदखल करी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं कि देश की सेवा के बाद हमारी गोल्ड मेडलिस्ट विनिवेश फोगाट जी, बजरंग पुनिया जी कांग्रेस प्रवेश किए, बधाई। और साथ ही इस समय हरियाणा प्रदेश और क्षेत्र की जनता सेवा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इससे कांग्रेस को फायदा होगा और मजबूती मिलेगी। देखिए वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़े, अपने अधिकार के लिए लड़ाई ले, न्याय के लिए लड़ाई लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने अपने नेताओं को बचाने के लिए उन्हें सड़क तक घसीटा और उनको मतलब उनके साथ क्या व्यवहार किया पूरी देश की जनता ने देखा है। बिल्कुल 10 तारीख को महिला सुरक्षा को लेकर महिला कांग्रेस का घेराव है, ऐतिहासिक घेराव रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अपराध और गैंगरेप रुक नहीं रहा है, लगातार घटनाएं घट रही है, सरकार चैन की नींद सो रही है, और पुलिस प्रशासन सिर्फ मुखबधिर बन के देख रही है। पुलिस प्रशासन को इस सरकार ने पंगू बना दिया है और अपराधियों को इस सरकार ने संरक्षण। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू इंडिया न्यूज़ टीवी फॉर मोर सच अपडेट्स।